Okay, the question is, write a Pythagorean triplet whose members are formed by the given natural numbers. Right? अब इसमें क्वेश्चन कहा गया है कि आपको एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना है जिसके मेंबर्स इस नंबर से मिलकर बनाए गए हैं. राइट, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते क्या है. सो व्हाट आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स? आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज रिलेटेड टू पाइथागोरस थ्योरम. आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है. राइट, सो व्हाट डज पाइथागोरस थ्योरम सेज इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. राइट, तो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करने वाले मेंबर्स को आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं. राइट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के मेंबर्स कौन से होते हैं? योर परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज, और इन तीनों के बीच का रिलेशन इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम. तो जो मेंबर्स पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ LHS इक्वल टू RHS, तो उनको आप बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. ट्रिपलेट्स मीन्स तीन ही मेंबर्स होते हैं, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट. राइट, अब हम देखते हैं कि मेंबर्स आप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं. इसके मेंबर्स जो हम फाइंड आउट करते हैं, सपोज द नंबर गिवन इज 6. राइट, so first of all suppose m is equal to 6, so your first member is 2m, right, then m square plus 1 and m square minus 1. पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के तीन मेंबर्स डायरेक्टली आप इन फॉर्मूला से निकालते हैं. राइट, पहला मेंबर होगा आपका 2m, देन m square plus 1, देन m square minus 1. तो इस तरीके से आप इनको फाइंड आउट करते हैं. राइट, तो अब पहला फाइंड आउट करते हैं मेंबर 2 इंटू एम, मीन्स 2 इंटू 6, दैट इज 12. फर्स्ट मेंबर इज 12. नाउ एम स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ 6 प्लस 1. स्क्वायर ऑफ 6 इज 6 आर 36 प्लस 1 इज इक्वल टू, सेकेंड मेंबर इज 37. नाउ 6 स्क्वायर माइनस 1, 6 इज 36 माइनस 1 इज 35. अब आपके पास ये तीन मेंबर्स हो गए. राइट, अब इन मेंबर्स को हम लिखेंगे देयरफॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. देयरफॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है हमारा? दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट नंबर 12, देन 35 एंड देन 37. 37 मैंने लास्ट में लिखा है, क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि हाइपोटेन्यूज जो है हमेशा इज द लॉन्गेस्ट साइड इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल. तो यहाँ पर भी आप किसी तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन आप जो है जो आपका हाइपोटेन्यूज होगा उसको आप बिल्कुल लास्ट में लिखेंगे. तो ये आपके तीन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं 12, 35 एंड 37, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज. आप परपेंडिकुलर एंड बेस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप हाइपोटेन्यूज को चेंज नहीं कर सकते हैं.